नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति के लिए सफाई कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दांडी यात्रा निकाली थी। अलग अलग जिलों और कस्बों से निकले करीब 15,000 आंदोलनकारी मंगलवार को राजधानी की ईदगाह भाटा में इकट्ठे हुए। यहां से उन्हें सीएम हाउस का घेराव करने निकलना था। सीएम हाउस से पहले 3 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने तोड़ डाला। आनन फानन में पूरे जिले की पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झूठ की भी हुई। सड़क पर हुए इस प्रदर्शन से आधे शहर का ट्रैफिक जाम हो गया था। देर शाम स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने आंदोलनकारियों और कर्मचारी नेताओं से मुलाकात की। उनकी मांगों पर तत्काल कमेटी गठन का लिखित आदेश जारी किया गया। तब कहीं आंदोलनकारी शांत हुए। अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष संतोष खंडेका, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष विजय झा ने बताया कि कांग्रेस चुनाव से पूर्व सफाई कर्मचारियों से वादा किया था कि 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण किया जाएगा। आज सरकार बने 1000 दिन पूरे हो गए हैं, पर वादा पूरा नहीं हुआ। जी हम लोग छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, 2011 से लगे हैं। राज्य में 47,000 कर्मचारी अपनी मांग और समस्या को लेकर जो घोषणा पत्र में वादा किया था माननीय टीएस सिंहदेव जी ने और उनके जितने नेता थे, लेकिन आज तक हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रहे हैं। सरकार के घोषणा पत्र को निभाने के लिए हम लोग वादा निभा आंदोलन रैली कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं और शासन प्रशासन को इसके लिए अवगत भी कराया था 30 तारीख तक। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारी मांगों पर विचार करे, यदि नहीं करते हैं तो हम लोग आज से निश्चितकालीन हड़ताल में बैठ जाएंगे। संतोष खांडेकर प्रांताध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर। हमारी मांग है कि हम लोग 2 घंटा के लिए रखे हैं, लेकिन हम लोग को दिन भर काम किया जाता है, करवाया जाता है। हमारी मांग है पूर्णकालीन और नियमित किया जाए। हम लोग को मात्र 2000 मिलता है और इसमें हमारा परिवार वगैरह कुछ नहीं चल पा रहा है और हम लोग आर्थिक रूप से मानसिक रूप से बहुत कष्ट में है, परेशान हैं। हम लोग को नियमित किया जाए और हमारी यही मांग है। हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, 11 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार बोल रहा है कि हम लोगों को आजकल करके धोखा दे रहा है और हम लोग का पूर्णकालीन मांग है। जो कम पेमेंट में काम कर रहे हैं, आज तक किसी को हम लोग को पेमेंट दिया नहीं और सरकार आज 10 साल हो गया, 11 साल हो गए हमको बका रहा है। हम लोग यही मांग है कि हम लोगों का मांग को पूरा किया जाए, अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए, बस। धन्यवाद। मैं खिल राम बंजारे बेरला से आया हूँ सर, है ना। आज हम लोगों को 11-12 साल हो गया सर, ये शासन प्रशासन को हम शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं सर, उसके बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हो रहा है सर। हमारा मांग यही सर, अंशकालीन को पूर्णकालीन करके जो भी बनता है सर, 20,000-25,000 हमें पेमेंट दिया जाए, क्योंकि हमें काम जो है बहुत ज़्यादा करवाया जाता है सर। जी सर, अभी तक के 2000 मात्र देता है सर, 2000 में कैसे चलेगा सर। मेरा बीवी है, बच्चा है सर, मैं कैसे करूँगा बताओ 2000 में। शासन प्रशासन जो है इतना लापरवाह हो गया सर। आज अधिकारी कर्मचारी का पेमेंट 50,000 से 60,000 दिया जा रहा है सर, लेकिन हम कर्मचारी जो है सेफ्टी साफ कर रहे हैं बच्चे का, अब सोच के देखिए सर, कौन सेफ्टी साफ करेगा किसी का सर, आप ही बताइए। ऐसा टाइप का है सर, दो घंटे क्या सर, वो 8 घंटा ड्यूटी लिया जाता है सर, ये ऐसा थोड़ी होता है सर कि किसी का 8 घंटा ड्यूटी किया जाए। No!
लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।